लखन, लखन कहाँ हो? वॉशरूम में हो क्या? भाभी, भाभी, यार लखन तो है ही नहीं। भाभी, भाभी प्लीज वो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दो और किसी को मत बताना कि मैंने क्या क्या बोला। वो तो बस मैं ऐसी मजाक करती रहती हूँ ना, आपको पता है, तो इसलिए कर दो प्लीज। अच्छा, आप मजाक कर रही थी, मैं क्या करूँ, सच तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि सच की तो आप देवी हो, आप तो सच सबको बताती हो। वैसे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे आप बैठो, मैं आपका सर दबा देती हूँ। कपड़े और लैपटॉप हटाओ यहाँ से, तभी तो लेट पाऊंगी। हाँ, मैं हटाऊंगी हटाऊंगी, हटा दूंगी। दबाओ दबाओ, अच्छे से दबाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा तेज तेज दबाओ। हाँ हाँ, अच्छे से दबाती हूँ। और तेज, हाथ में जान नहीं है लगता है, आटा गूंथी तो पता चलता कैसे हाथ बजाते हैं। अब ठीक है? नहीं नहीं, और तेज। हाँ, ये ठीक था। मेरे एक तो सर में बाल नहीं, ऊपर से आप ऐसे कर रही हो हरकतें। मुझे लगा अब आपको अच्छा लगेगा। कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा तो अब आपको लगेगा जब ये रिकॉर्डिंग आपकी मम्मी और आपके भाई तक पहुंचेगी। उनका भी तो सच पता चलना चाहिए कि उनकी बहन भाभी के घर में रह कर ही उनके लिए अनाप शनाप बकती है। अरे भाभी, वो तो आप भी तो मेरे बारे में कुछ कुछ बोलते होगे ना, तो वो तो मजाक चलता रहता है। नहीं नहीं, इस बार कुछ नहीं चलेगा, मैं चली। भाभी प्लीज डिलीट कर दो। अरे यार, ये तो चुड़ैल मान ही नहीं रही है, इसको पटाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या करूं, ये लेके जाती हूँ। चॉकलेट तो पसंद ही है भाभी को, क्या पता इसी से खुश हो जाए। भाभी ये लो आपके लिए चॉकलेट। चॉकलेट मेरे लिए? हाँ, आपको तो पता है चॉकलेट मुझे कितनी पसंद है, तभी तो लाई हूँ। लेकिन ये खुली हुई क्यों है? वो तो बस इसलिए ही। एक मिनट, आपका छोड़ो फोन, क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है किसी का फोन ऐसे टच नहीं करते। वो मैं देख रही थी वीडियोस कैसी बनी है, कैसी क्वालिटी है उनकी। वाह वाह, चॉकलेट की खुशबू तो बहुत अच्छी है। फालतू की बातें कम बना और बताओ, ये चॉकलेट लाई कहाँ से हो? मेरे फ्रिज से तो नहीं निकाल दी चॉकलेट? अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने अपने बैग में छुपा के रखे हुए, तो कपड़ों के नीचे, वहां से निकाल के लेके आई। ऐसे काम भी करती हो? ये चॉकलेट मैं ही लेकर आई थी मार्केट से, वही चॉकलेट छुपा ली, और जब मैंने परसों पूछा कि वो चॉकलेट कहाँ है, तो बोलती मुझे चॉकलेट नहीं पता, भैया ने खा ली होगी। वो ये वही वाली थी, मुझे पता। ये वही है, मुझे पसंद है ये चॉकलेट। अच्छा, मेरी चीज मुझे ही दे रही हो खुश करने के लिए? ये सब नहीं चलेगा, चॉकलेट तो मेरी है और ये फोन भी मेरा, रिकॉर्डिंग भी मेरी है, सबको पता चलेगा क्या बोलती हो मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे। हाँ, बस एक बार डिलीट कर दो। अब मैं क्या करूं? अरे ये क्या कर रही हूँ मेरे और लखन की फोटो के साथ? अरे किसी ने इतना प्यारा स्केच बना के दिया आपका, तो मैंने सोचा क्यों ना साफ कर दूं, गंदगी नहीं रहनी चाहिए ना फोटो में। प्यारा स्केच? जिस दिन ये बन कर रहा था उस दिन तो खूब बेइज्जती कर रही थी उस लड़की की, कि कैसी नाक बनाई है, कैसा मुंह बनाया है। आप बना लोगी इतनी अच्छी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी नाक अच्छी नहीं बनाई, बाकी तो बहुत अच्छा बनाया। देखो ना कितनी अच्छी ज्वेलरीज बनाई है, और भैया की तो कितनी अच्छी फोटो बनाई है। आपकी थोड़ी नाक नकचड़ी हो ना, इसलिए थोड़ा सा। नकचड़ी कौन है कौन नहीं वो तो वक्त बताएगा, जो वीडियो है ना वो जब आपकी मम्मी को और आपके भाई को देखेंगी सब पता चल जाएगा, समझी? अब फोटो दो मेरी साफ करने वाली आई बड़ी, इतनी अच्छी फोटो को खराब ना कर दे कहीं, सच में पेंसिल की बनी है, कहीं मिटा दो इसे। बहुत ज्यादा ही बनने लगी है ये तो, मेरा तो सारा खौफ ही निकल गया। मम्मी को भी नहीं बता सकती क्योंकि उनको पता चल जाएगा मैंने ही उल्टा बोला है। क्या करूं मैं? अब आप ही अपनी राय दो कि क्या करूं इनको मनाने के लिए।